हाय दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो इंडिया के टीवी में पहला एंटी एजिंग क्रीम लॉन्च हुआ था, जिसका एडवर्टाइजमेंट काजोल ने दिखाया था। वो है ओले टोटल इफेक्ट 7 in 1, जिसके बाद इंडिया की महिला जो है वो इसी पर ट्रस्ट करती है। और ये ट्रस्ट करने लायक है भी, क्योंकि मेरी मम्मा भी इसे इस्तेमाल करती है और वो इसके इस्तेमाल से काफ़ी खुश हैं, और एक तरह से नाखुश भी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल को अगर आप करते करते छोड़ दें तो ये फिर से आपका स्किन पहले जैसा हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करना आवश्यक है। तो आइए, इसके यही था शॉर्ट में रिव्यू, और मैं इसका डिटेल्स में रिव्यू आपको अभी बता देती हूँ। ये है ओले टोटल इफेक्ट 7 in 1। 7 इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि इसमें 7 तरह के आपको फ़ायदे मिलते हैं। एक, विजिबल स्मूदन्स फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। आपके जो फाइन लाइन्स है यू नो आँखों के दो साइड में, और जब आप हंसते हैं तो आपके जो लिप्स है उसके अराउंड में जो फाइन लाइन्स आते हैं, और झुर्रियाँ रिंकल्स, जिससे हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो इसे स्मूद करता है। हेल्प्स स्किन टू मेंटेन इट्स मॉइस्चर। मॉइस्चर हमारे बुढ़ापे में काफ़ी कमी आ जाती है मॉइस्चर की, इसलिए हमें मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाना आवश्यक है। तो इसमें जो है मॉइस्चर भी है। इवन स्किन टोन अपियरेंस, और स्किन टोन अगर आपका कहीं थोड़ा सांवला है यू नो टैनिंग की वजह से या फिर डार्क स्पॉट की वजह से, तो उसे इवन टोन करता है। हर जगह का एक ही तरह का रंगत रहता है। मिनिमाइजेस द लुक ऑफ पोर्स। यू नो पोर्स अगर बड़ा हो तो थोड़ा बुरा लगता है और एक तरह से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये क्या करता है आपके पोर्स को जो है मिनिमाइज करता है, जिससे स्किन यू नो और ज़्यादा इवन लगने लगती है। और इसमें बताया गया है स्मूदेंस एंड इवेंस आउट स्किन टेक्सचर। स्किन टेक्सचर क्या होता है, हमारी जो स्किन का जो कलर भी बोल सकते हैं, या फिर जो स्किन में जो पॉलिशिंग एक आता है, वैसा एक स्मूदेंस इफेक्ट देता है। एनहांसेस ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की हम सभी को ज़रूरत होती है। ब्राइटनेस क्या होता है, अचानक से आपको सौ में दिख जाना, वो होता है एक ब्राइटनेस, तो ये उससे मदद करता है। हाइड्रेट्स टू रिस्टोर फार्मर स्किन अपीयरेंसेस। फार्मर मतलब क्या होता है, और जवा दिखना, तो ये हाइड्रेट्स करता है। हाइड्रेट्स मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हमारे लिप्स कभी ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में, तो हम कोई भी वैसलिन या फिर लिपबम लगाने के बाद एक तरह से जो फील होता है उसे हम हाइड्रेट्स करते हैं। जब प्यास लगता है पानी पीते हैं तो जो हम फील करते हैं उसे हाइड्रेट्स करते हैं, तो ये भी एक तरह के स्किन के आपको हाइड्रेट्स करता है, जिससे आपकी स्किन खिंची खिंची नहीं रहती है। और मैं इसके बारे में बता दूँ, ये डे क्रीम है, मैं डे क्रीम के ऊपर रिव्यू कर रही हूँ। डे क्रीम यानी आप समझ सकते हैं आपको दिन में इस्तेमाल करना होता है, दिन में धूप होता है, इसलिए इसमें SPF 15 भी है। SPF यानी होता है सन प्रोटेक्शन फार्मूला, जो 15 है। 15 यू नो काफ़ी होता है, पर अगर आप ज़्यादा समरी एरियाज़ में रहते हैं, जैसे चेन्नई हो गया या फिर यू नो राजस्थान, तो आपका SPF थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लगभग 30 के आसपास। और इसके बारे में ये बताया गया है कि यंगर हेल्दियर लुकिंग स्किन व्हाट इट डज। ये तो गया सारी प्रोडक्ट्स की बातें, मैं अपने पर्सनल रिव्यू से बता रही हूँ। जैसा मैंने आपको ठीक पहले भी बताया कि मम्मी ये जब इस्तेमाल करते हैं यू नो एक हफ्ता दो हफ्ते के बाद उनका स्किन इतना ग्लो करता है, यू नो किसी करने का मन करता है। और वैसे भी उनकी स्किन बहुत नाइस है, यू नो कोई भी क्रीम ना लगाए फिर भी वो बहुत सुंदर लगती है, बट स्टिल जब भी लगाती है तो यू नो मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना पॉलिशिंग और ब्राइट लगने लगता है जब वो सुबह उठती है, क्योंकि नाइट क्रीम भी इस्तेमाल करती है इसका, और ये इसका डे क्रीम भी इस्तेमाल करती है। पर एक महीना लगभग वो ट्रीटमेंट कराने चली गई थी बैंगलोर, तो वहाँ पे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया था खुद के ऊपर, ट्रीटमेंट चल रहा था जोरों शोरों से, तो उस वक्त उन्होंने लगाना छोड़ दी थी, तो उस वक्त थोड़ा यू नो ड्राई ड्राई लग रहा था, पर जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी स्किन बहुत अच्छी है तो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। बट एक यू नो रूखा रूखापन था, जिससे ये पॉलिशिंग कर देता था, जिससे चिक्स शाइन करते थे और यू नो फाइन लाइन्स उतने नोटिस नहीं हो रहे थे। और जब ये लगाना छोड़ दिया था तो थोड़े थोड़े फाइन लाइन्स फिर से वापस आने लग गए थे, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं आप कंट्रोल रखता है, यू नो ये हटा नहीं देता है, रिमूव नहीं कर सकता है, ये बस कंट्रोल करता है। आप जब तक इस्तेमाल करें तब तक आप जीवन रखेंगे, जस्ट आपने क्विट किया आपकी स्किन फिर से वैसे वापस। यही था मेरा रिव्यू। और एक खास बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कहीं और से लेने में दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट्स का, मैं नीचे आपको लिंक दे रही हूँ जहाँ से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।